हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचनी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं शरद शर्मा, शिरीषा भगवतुल्ला और गिरीश विश्वाजी और उनके टीम के बारे में। फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि इसराइल में अभी जो हालात युद्ध स्तर पर बने हुए हैं, युद्ध जैसे बने हुए हैं, उसकी वजह से पूरा देश, विदेश, पूरी दुनिया टेंशन में तो आ गई है। अब उससे रिलेटेड बात कुछ ये हुई है कि आप ही में से कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि कैसे ये लोग, यानी कि शिरीषा और शरद शर्मा और गिरीश विश्वा, उनकी कंप्लीट टीम परफॉर्म करने के लिए पहुंचे हुए थे इसराइल में। और आप जानना भी चाहते थे कि कैसे हैं, एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। मेरे लिए इट केम लाइक अ शॉक कि यार ऐसी सिचुएशन में जब कोई अपना फंस जाता है, सर्टनली ये लोग पूरे परिवार को सब कुछ मालूम होता है, लेकिन क्या होता है जब आप उनको कवर करते रहते हैं तो आप भी मानवीय तौर पर इन लोगों से जुड़ जाते हैं। आप उनका इंटरव्यू कर चुके हो, आप उन लोगों से जुड़ जाते हैं और ऐसे में जब मालूम पड़ता है कि अजीब सी, अनोखी सी और बड़ी टेंशन में लाल देने वाली सिचुएशन में आपके ये लोग फंसे हैं, तब दिल घबरा जाता है। ऐसा लगता है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है ताकि इनकी परेशानी कहीं कुछ कम हो जाए, कैसे हो जाए, क्या हो जाए। फ्रेंड्स, शिरीषा की ही मैं बात करती हूँ, उन्होंने अपने इंस्टा पर फटाफट अपलोड किया था, तो धन्यवाद शिरीषा, आपने ये सब चीजें एटलीस्ट बताई ताकि आपके जाने पहचाने वाले, आपको पसंद करने वाले और बाकी के लोगों से जो जुड़े हुए लोग हैं वो आपके अपडेट्स को पढ़कर, आपके अपलोड्स को पढ़कर अपने आप को मानसिक तौर पर शांति दे सकते हैं। आपने जो लिखा है वो कुछ इस तरीके से है, सर्वाइव टेररिस्ट बॉम्ब अटैक इन इसराइल। और वो आगे लिखती हैं, woke up to the alarming siren indicating bomb attacks in Ashkelon. That's exactly where we were staying. मतलब वो जहां रह रही थी एशकेलॉन, वहीं के पास में उन्होंने ये सायरन से उनकी आवाज सुनी और उसी की वजह से उनकी सुबह हुई है। ओके, थोड़ा सा समय लगा उन्हें समझने में कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्यों इतनी हड़बड़ी मचाई जा रही है। लेकिन बार बार जब ये एक्सप्लोजर के साउंड उनकी आवाज में आ रहे थे, आसपास की महिलाओं के और बच्चों की आवाजें आ रही थी, उनकी चीखें, उनका रोना, उनका क्रंदन सब कानों में पड़ रहा था, तब उनको समझ में आया कि किस सिचुएशन में वो फंस गए हैं या क्या हालत है आसपास। और बिल्कुल क्लूलेस हो चुके थे, उनके पास कोई समझ में नहीं आ रहा था इस पूरे केओस में, पूरी एंग्जाइटी में, और ये लग रहा था कि अरे अटैक हो रहा है। ओके, और लेकिन फिर भी होता है ना कि ये सब चीजें जब आसपास चल रही होती हैं तो एक डर सा शामिल हो जाता है। एट द सेम टाइम शी राइट्स कि पास में ही, हालांकि वो बहुत दूर थे, 100 मीटर दूर थे जहां पर ये सारे बॉम्ब्स डाले जा रहे थे और विस्फोट किए जा रहे थे, फिर भी बार बार हर दूसरे मिनट में वो आवाजें सुनना ब्लास्ट की, मुझे नहीं मालूम लोगों की क्या सिचुएशन रही होगी। फिर भी बाद में उन्होंने ये भी अपडेट किया कि आसपास की कारों के टूटे हुए शीशे, जली हुई कारें और आसपास की सब चीजें देखते हुए डरते डरते हम लोग किसी भी तरीके से 45 मिनट्स में ट्रैवल करते हुए आखिरकार एयरपोर्ट पर पहुंच गए और फ्लाइट पकड़ने के लिए तैयार हो गए। फ्रेंड्स, और किसी की तरफ से तो अपडेट नहीं आया है कि कुछ हुआ क्या हुआ, लेकिन शिरीषा के इस बात को पढ़कर, सुनकर, जानकर मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिली है। मैंने खुद ने शिरीषा को भी मैसेज किया है, शरद को भी मैसेज किया है और गिरीश जी को भी मैसेज किया है कि डर लगता है यार, आप लोग वहां फंस गए, आपने ये सारी सिचुएशन देखी, भगवान करे ऐसी सिचुएशन किसी कलाकार, किसी व्यक्ति, किसी भी मानवता से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को ना देखना मिले, ना किसी ना जीवित व्यक्ति को भी ऐसी देखने की चीज ना मिले, प्राणियों को भी ये सब चीजों से गुजरने का मौका ना पड़े, उनके सामने इस परिस्थिति ना आए, लेकिन हम सब प्रे कर सकते हैं। ऐसे में गिरीश जी का मुझे मैसेज आ गया है कि वो लोग निकल चुके हैं और वो जगह छोड़कर जा चुके हैं इसराइल के लिए, वो निकल चुके हैं, तो थैंक गॉड। मतलब मैं बोल रही हूँ और मुझे वो डर का एहसास हो रहा है कि मेरे अपने लोग जिनको मैं इतना कवर करती हूँ वो वहां पर फंसे हुए हैं, तो आप लोग भी जस्ट क्रॉस योर फिंगर्स कि किसी भी तरीके से सारे के सारे लोग सकुशल घर पर पहुंचे और वो इस भयावह स्थिति से निकल गए, उसके लिए भगवान का ढेर सारा धन्यवाद। और चाहेंगे कि जो रिकवरी होती है, जो ब्लास्ट से निकलने के बाद की सिचुएशन किसी भी व्यक्ति के लिए डरावनी होती है, उस डर से ये लोग जल्दी रिकवर हो सकें, इतनी आशा है। और आप भी प्रे कीजिए, मैं भी प्रे कर रही हूं ताकि ये लोग सकुशल अपने घर पर बैठे और अपने संगीत के लिए एक बार फिर अभ्यासरत हो जाएं। जय हिंद।